कोई जरूरत नहीं है दूसरे बॉडी टाइप में मोल्ड होने की, आप अपनी परफेक्शन का एग्जांपल खुद सेट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे अ परफेक्ट बॉडी, उसकी बॉडी टाइप्स और उसके शेप्स के बारे में। तो परफेक्ट बॉडी आपके लिए मिथ भी हो सकती है और रियलिटी भी हो सकती है, ये सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मेरे लिए परफेक्ट बॉडी वो होती है कि जहाँ एक हैप्पी पर्सन लिव करता है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। या फिर हमारी सोसाइटी ने ना कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं कि परफेक्ट बॉडी ऐसी होनी चाहिए, परफेक्ट बॉडी वैसी होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी परफेक्शन का एग्जांपल खुद सेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब बताओ कैसे करोगे। तो गाइज हम बात करते हैं, जैसे कि परफेक्शन में हमारे अकॉर्डिंग या फिर मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि एक इंसान हेल्दी हो, उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो, वो स्ट्रेस फ्री हो और वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ये मेरे लिए परफेक्शन का एग्जांपल है। लेकिन इन सबको मेंटेन करने के लिए सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, वो क्या होती है? डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। अब ये दो चीजें किसी भी चीज में ऐड हो जाएं, तो आप कुछ भी कर सकते हो गाइस, कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। अब आप लोग बोलेंगे वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं कि अब इसमें भी यही बताएंगे, ये डाइट प्लान फॉलो करो, इतने बजे सो जाओ, ये करो, ये खाओ, वो ना खाओ, जंक फूड अवॉइड करो। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। अगर आप अपनी बॉडी टाइप से हैप्पी हैं, तो कोई जरूरत नहीं है दूसरे बॉडी टाइप में मोल्ड होने की, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है जो एक बॉडी टाइप में एग्जिस्ट करते हैं और अपने आप को दूसरी बॉडी टाइप में मोल्ड करना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी बॉडी टाइप को समझना चाहते हैं और उन पे काम करना चाहते हैं। तो बॉडी टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉडी टाइप जानना जरूरी क्यों होता है। कितना आसान हो जाएगा ना कि अगर सभी को अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज, प्रोटीन्स, इनटेक्स, कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सबकी नॉलेज हो जाए और वो सब अपनी बॉडी टाइप को इजिली जान पाए और उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर वर्क कर पाए। तो आइए बात करते हैं ऐसी ही बॉडी टाइप्स के बारे में। बॉडी टाइप्स बेसिकली तीन टाइप्स की होती हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ।